अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों, आपसे एक इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करना था। आपसे रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल वीडियो देखिएगा दोस्तों। कुछ दोस्तों का ये कमेंट आता है कि उस्मान भाई अपना नंबर दे दें, तो कुछ नहीं, बहुत सारे दोस्तों का यही कमेंट आ रहा है। तो इसमें होता यह है कि क्यों नहीं मैं आगे से नंबर शेयर करता। आप देख रहे होंगे कि आजकल जो मेरी वीडियोस आ रही हैं उसके नीचे ना डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ना नीचे मैंने टैग दे रहा हूँ आजकल, और ना ही ऊपर कार्ड्स यूज कर रहा हूँ। यानी इतना वक्त नहीं होता कि इस पे काम कर सकूं। असल में ये सिर्फ एक शौकिया तौर पर मैंने स्टार्ट किया हुआ है चैनल, तो यानी इसको एक पार्ट टाइम जब कोई टाइम लगता है तो मैं इसको टाइम दे देता हूँ, अदरवाइज टाइम निकल नहीं पाता दीगर कामों से ना। तो जब इसके लिए टाइम नहीं निकल रहा तो फिर आपके कमेंट्स के लिए किस तरह टाइम निकलेगा? यूट्यूब पे जो आप कमेंट डालते हैं उनका मैं अमूमन जवाब दे देता हूँ, लेकिन अगर नंबर दे दिया जाता है तो उस पे कोशिश होती है यार किसी के, यार हम तफसील से पूछें सारी चीजें, तो वो फिर सवाल पे सवाल, सवाल पे जवाब, सवाल आता है। तो अगर उस सूरत में जवाब ना दिया जाए तो फिर बाज औकात बंदे को फील होता है, दिल टूटता है। अदरवाइज अगर नंबर नहीं देता तो शायद इससे आपका इतना दिल नहीं टूटेगा, बनिस्बत उसके कि जब अगर मैंने नंबर दिया भी हुआ है और आगे से मैं रिप्लाई नहीं दे रहा तो शायद उससे आपका ज्यादा दिल टूटेगा। तो मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। वो कहते हैं ना कि विच्चे ही जेड़े विच्चे ही बेड़े विच्चे ही वंज मखाने हो, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हो। हाउएवर किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। तो ये है कि, और इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि आजकल कुछ लोग अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देते अमूमन। दूसरा नंबर कॉल वाला नंबर दे दिया जाता है लेकिन व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया जाता। उसका सबब ये होता है कि यार हमारे पास जो पोस्ट आती है उसे हम आगे व्हाट्सएप पे शेयर करना शायद लाजिम समझते हैं, कि हर पोस्ट आगे शेयर करना हम पर लाजिम है। तो दोस्तों अगर आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट पोस्ट आपके पास आई है तो उसको आप फेसबुक पे शेयर कर दें, उस पर सारे देख लेंगे, जिसके पास जितना टाइम होगा उस टाइम के एतबार से वो देख लेगा। व्हाट्सएप पर अमूमन चेक किया जाता है कि यार कोई किसी का जरूरी मैसेज तो नहीं आया, तो जब इस काम के लिए चेक किया जाता है आगे से जो है मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें हो तो यार बहुत बुरा सा लगता है। आप भी जानते होंगे ये सिचुएशन आपके साथ भी होती होगी। हाउएवर तो इसको सिर्फ जरूरत की हद तक इस्तेमाल किया जाए। और एक मैसेज इस तरह के भी आता है कि यार अगर आपने 20 लोगों को ना सेंड किया तो आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने भी रिलीजियस लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारा है तो मैं भी कुछ ना कुछ इस हवाले से भी नॉलेज रखता ही हूँ। तो आप हरगिज़ इसे शेयर ना करें, अल्लाह चाहेगा अल्लाह ताला आप पर फजर फरमाए, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। तो खुसूसन इस तरह की पोस्ट अगर लिखा हो ना कि आप नहीं सेंड करेंगे तो आपको कुछ हो जाएगा, ये बिल्कुल ही ना सेंड करें, क्योंकि अगर आप सेंड कर देते हैं फिर ये बात बढ़ते बढ़ते आगे आगे वो समझेगा कि यार मुझे ना कुछ हो जाए, वो आगे सेंड करेगा, तो इस तरह ये व्हाट्सएप पे घूमता रहता है मैसेज। तो इस तरह की पोस्ट हरगिज शेयर ना करें। अब बात आती है कमेंट्स की, कि अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये वीडियो के नीचे कमेंट में जाके डाल सकते हैं। कमेंट करने का तरीका ये होता है कि जैसे ही ये आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे एक वीडियोस की लाइन लगी होगी, उनको थोड़ा ऊपर करते जाएं और नीचे जगह आ जाएगी कमेंट की, तो वहां पे आपने जो भी आप पूछना चाहते हैं लिख दें। अमूमन मैं आजकल जवाब दे रहा हूँ, अभी कुछ ना कुछ टाइम निकाल लेता हूँ, तो मैं तकरीबन जितने भी कमेंट आ रहे हैं उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। जो नंबर के वाले से हैं कि नंबर दे दें उसका मैं जवाब नहीं देता, या कोई ऐसा बिजनेस के जिसका मुझे खुद एक्सपीरियंस नहीं है उस हवाले से पूछा जाता है तो उसका मैं जवाब नहीं देता। तो बाज़ जो मैं आइडियाज शेयर करता हूँ इस हवाले से भी बाज़ औक़ात कमेंट ज़्यादा आते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मैं आइडियाज शेयर कर रहा हूँ। आपने चैनल का नाम भी पढ़ा होगा कि बिजनेस आइडियाज उर्दू, इट मीन्स कि मैंने सिर्फ आइडिया शेयर करना होता है, बकायदा एक्सपीरियंस नहीं। आप भी जानते हैं कि यार मैं कितने कारोबारों में मैं बिजनेस एक्सपीरियंस रख सकता हूँ यार, तो एक दो में ही होता है अमूमन बंदे को। तो बकिया तो आइडिया शो कर रहा हूँ कि इस आइडिया को लेके आगे मजीद जो काम कर रहे हैं इस हवाले से, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो पहले काम कर रहे हैं उनके पास आप एक माह गुजारें और उनसे थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, फिर जो है अपना काम स्टार्ट कर लें। और कुछ कमेंट तो बहुत अच्छे भी आते हैं, कुछ मेरी दिलजोई के लिए आते हैं, तो दिलजोई का भी फायदा होता है कि जब आप दिलजोई करते हैं तो इससे ये होता है कि बंदे का हौसला बढ़ता है और वो ज्यादा जो है उस पे अच्छे तरीके से काम कर सकता है। जैसा कि जब मैं वहाँ पे स्टडी कर रहा था और इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास चल रही थी तो उस वक्त
कुछ दोस्त थे कि जो मुझे बहुत अप्रिशिएट किया करते थे, यू आर द किंग ऑफ इंग्लिश लाइक दैट। सो जितना वो अप्रिशिएट करते थे उतनी मैं फिर उस एतबार से तैयारी करता था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मेयार बना हुआ था क्लास में इंग्लिश के हवाले से। तो वजह क्या थी, वो सिर्फ दोस्तों का अप्रिशिएट करना। तो इसी तरह जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो इसमें भी हौसला बढ़ता है और मजीद वीडियो बनाने को भी जी जाता है। और दूसरे कमेंट होते हैं जो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। अब उनमें भी दो किस्म के होते हैं, एक तो नेगेटिव वो कि आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आई और आपने वो लिख दी, तो उसमें मैं गौर करता हूँ कि यार वाकई अगर मेरी गलती है तो फिर मैं वो वीडियो को डिलीट कर दूंगा या कोई उसमें तब्दीली वगैरह कर लूंगा। और अगर मेरी गलती नहीं है, कमेंट वाले करने वाले की कोई गलती है, उसकी समझ में कुछ गलत आया, तो उसका मैं जवाब दे देता हूँ कि यार ऐसा नहीं ऐसा है। तो हाउएवर, तो दूसरी नेगेटिव की किस्म क्या होती है, वो ये कि कोई गाली लिख के भेज देना, कोई बुरा भला बोल देना। यार इससे ना मुझे कोई नुकसान होता है ना मुझे कोई फायदा होता है, बल्कि आपका नुकसान होता है कि आपका वो थोड़ा टाइम कमेंट लिखने पे वेस्ट होता है। तो इसकी बजाय अगर आप ये कर लें कि अगर आपको मेरा आइडिया पसंद नहीं आया, जो आपके जहन में है अच्छे अंदाज में, वो आप लिखें और किसी और को यानी फेसबुक पे शेयर कर दें, अपनी पोस्ट एक उतने टाइम में शेयर कर दें ताकि किसी का भला हो जाए, या उतने टाइम में यार दुरूद पाक पढ़ लें, सवाब मिल जाएगा, कमेंट करने का क्या फायदा होगा। तो ये है कि नेगेटिव कमेंट करने से परहेज किया जाए। और मजीद ये है कि अगर आपको मेरा कोई बिजनेस आइडिया पसंद नहीं आता तो मैं हरगिज आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उस पर अमल करें, क्योंकि अगर जब मैं दलाल के जरिए या कोई और आपको दलाल के जरिए कायल कर भी लेता है, लेकिन आपका लाशौर उस बात की इजाजत नहीं देगा। आपके लाशौर में एक बात बैठी रहेगी कि यार इसमें नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है। जब आपका लाशौर आपका साथ नहीं देगा तो फिर आपकी कामयाबी के जो इम्कान है वो कम हो जाएंगे। याद रखें कि कामयाबी के साथ शौर और लाशौर का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। तो मैंने ये जब चैनल स्टार्ट किया था तो मेरी नीयत यही थी कि मैं ये शौर लाशौर, शौर मुस्बत मनफी और इस तरह के जो यानी दिमागी तौर पर जो चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं नफसियाती तौर पर, तो उन पे मैं बात करूं। लेकिन क्या कहूं कि यार इतना टाइम नहीं बन पाया कि वो मैं उस पे गुफ्तगू करता, अभी वो आइडियाज़ ही चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो कभी वो दोबारा टॉपिक वो स्टार्ट करके तो उस पर दोबारा गुफ्तगू करूँगा। कुछ मैंने सेंड किए भी हैं ये कामयाबी के 17 असूल और आप भी कामयाब हो सकते हैं, इस तरह की कुछ वीडियो सेंड किए भी हैं। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी मज़ीद सेंड करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लें।